युवराज और रोहन के बीच कुछ हुआ कर रहा था। आज रोहन अपना प्यार का इजहार कर रही बात से। कुछ नहीं, बेसिकली हुआ क्या है कि युवराज ने एक मूवी प्लानिंग की थी सुहानी के लिए कि वो उसे पिंकी थिएटर लेके जाएगा इलाहाबाद में। वहाँ पे पुरानी फिल्म कल्ट फिल्म सत्य में सत्ता लगी हुई है, तो बिल्कुल गाएगा सुहानी के साथ मूवी देखते हुए। और ये सरप्राइज़ इसका चौपट हो गया क्योंकि तो वो टिकट्स किस तरह धुल गई और हम दूसरी टिकट्स नहीं ले पाए क्योंकि वो शो हाउसफुल था। एनीवे, तो अब रोहन को पता लगा कि युवराज ने कुछ ऐसा प्लान किया था, तो वो घर पे ही प्रोजेक्टर लेके आ गया और उस फिल्म की डीवीडी लेके आया और अब वो घर पे सबको दिखा रहा है, खासकर सुहानी को। सुहानी कहती है नहीं, अगर मुझे फिल्म देखनी होगी तो मैं सूपी अभी युवराज के साथ और सिनेमा हॉल जाके देखती हूँ। लेकिन रोहन कहीं ना कहीं आपको सुहानी से मिलाने के लिए हो सकता है? नहीं, सुहानी रोहन और युवराज मिलाने की कोशिश कर नहीं, कहीं कहीं ना कहीं कुछ हेल्प कर रहा है वो आपकी बेटी के लिए? नहीं, अब मैं रिवील तो नहीं करती सब कुछ, लेकिन नहीं। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? अच्छा, वहाँ से आ रहे हो, वेरी स्मार्ट। वो ऐसा क्यों कर रहा है आपको पता? कुछ तो रीजन होगा ना, क्योंकि आई थिंक द ऑडियंस इज स्मार्ट एनफ टू नो कि रोहन ऐसा क्यों कर रहा है। क्योंकि रोहन चाहता है सुहानी, और सुहानी को काफ़ी सताता तो ऐसे भी है और काफ़ी अतरंगी सा ही है रोहन, तो एक तो कहीं ना कहीं इतनी समझदारी के काम कर रहा है युवराज के मन की बातें जो है वो जो सुहानी के लिए प्लान कर रहा था वो घर पे ही बता रहा, तो कुछ तो रोहन ने भी सोचा होगा कहीं ना कहीं। रोहन के दिल में कोई बात है जो वो सुहानी से कहना चाह रहा है इन सब एफर्ट्स के थ्रू, और अगर वो बात ऑडियंस को समझ नहीं आ रही है तो इन दे समथिंग सीन सी रॉन्ग।